A very, very good evening, everyone. Welcome, welcome, Prashant. Very good evening, all of you. So, on behalf of Maharishi Markandeshwar University, I extend a very, very warm welcome to each one of you. So it is my immense pleasure to have a live event with none other than Devi Chitralekha ji. She'll be soon joining us. Pranam Devi ji. Pranam. It is my immense pleasure to have you here. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much. कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप बताइए. बस अच्छे हैं and थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. क्योंकि आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम से जी. तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम थोड़ा एक टॉपिक को लेकर के यहाँ आए हैं और उसी के विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि जो भी आज हमें सुन रहे हैं और हमें ज्वाइन करेंगे सो उनको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा. और नॉट जस्ट बेनिफिट बट दे विल लर्न समथिंग. कुछ उनकी लाइफ में ऐसा सीखने को मिलेगा जो दे कैन अप्लाई और उससे उनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव वे में बदलाव आएगा. सो आई होप कुछ लोग इसे सीखेंगे. बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमें बात करने को मिल रहा है, वो भी ऐसे टॉपिक पे जिसकी आज इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इतना कुछ हुआ है, इतने उतार चढ़ाव आए हैं. तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. जी आई थिंक आज की जो सिचुएशन है, आज का जो हम एक वातावरण देख रहे हैं अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में, और खासकर जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, जिसको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है. मैं भी एक उसी कैटेगरी में, आई मीन एक यूथ की ही कैटेगरी में आती हूँ. और जब एक आपके सेम एज का कोई व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, भक्ति की ओर और एक पॉजिटिव थॉट्स की ओर जाता है तो आप उससे ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं. कनेक्शन एक ज़्यादा हो जाता है रेदर देन कि कोई बड़ा व्यक्ति आपको आकर के कुछ प्रवचन कहे, कुछ बड़ी बड़ी टॉपिक्स, बड़ी बड़ी बातें कहे. सो मेरा जो मोटिव इवन कथाओं के माध्यम से जो रहता है वो यही रहता है कि आज के यूथ को अध्यात्म से कैसे जोड़ा जाए. आज के समय में बहुत सारे जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक प्रकार से कई बार आके शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे कथा कैसे सुने, हमारे बच्चे मंदिर कैसे जाए, हमारे बच्चे स्टडीज के साथ साथ अध्यात्म को कैसे जोड़ें. तो उन लोगों के लिए अध्यात्म क्या है और अध्यात्म को एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, अपनी जीवन से कैसे जोड़ा जाना चाहिए, आज हम उस विषय पर यहाँ बात करेंगे. तो पहली चीज, आई थिंक सबसे पहली चीज जो हमें जानने की है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आखिर है क्या. क्योंकि इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या
बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से की है, और मुझे नहीं लगता कि एक प्रॉपर कोई एक लाइन में ये कह दे कि ये अध्यात्म है। सबकी देखने का नजरिया, सबके सोचने का नजरिया अध्यात्म को बहुत अलग अलग वे में दिखा देता है। तो आज मेरे विचार से क्या अध्यात्म है वो मैं बताने का प्रयास करूंगी, और अध्यात्म को कैसे हम अपनी शिक्षा से जोड़ सकते हैं जो बहुत जरूरी है, और फिर जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो आप पूछ सकते हैं। मेरे विचार से अध्यात्म मतलब, मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, मेरे आज यहाँ बैठने का ही मकसद ये था कि आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और जहाँ मैं अभी हूँ होडल हरियाणा गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, यहाँ पर वातावरण बहुत अच्छा है। तो यहाँ की जो वायु है, यहाँ का जो वातावरण है, मैं उसको फील कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। इसके पीछे कोई है जो सुन रहा है। आई थिंक आप थोड़ा सा गहराई से मुझे समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जीप चल रही है पर कोई है जो बोल रहा है, कोई है जो सुन रहा है, कोई है जो जब मैं अपने आप को टच करूं तो आई कैन फील दैट, कोई है जो फील कर रहा है। वो कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर जानना ही मेरे ख्याल से अध्यात्म है। वो एक एग्जैक्ट वे है स्पिरिचुअलिटी को जानने का कि कोई तो है इसके पीछे। जस्ट लाइक अगर एक आदमी जो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, चलिए आप भगवान को नहीं मानते बट एटलीस्ट आप नेचर को तो मानेंगे ही। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतने सुंदर आसपास पेड़ है, ऑक्सीजन है, तो कोई तो है, देयर इज सम क्रिएटर जिसने इस दुनिया को, जिसने इस नेचर को बनाया है। इफ यू गो ऑल द वे बैक, जब आप लास्ट का जो इसका सोर्स है, जब आप उसको जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, उस जानने का नाम, उस जर्नी का नाम ही मुझे लगता है अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एक स्पिरिचुअल आदमी में होता है और जो आदमी आध्यात्मिक नहीं है उसमें नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी एक बहुत ही बड़ी महामारी से पूरा विश्व चल रहा है, इवन अभी भी बहुत उससे फाइट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, उससे ओवरकम करने का कोशिश कर रहे हैं। इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब ये दौर चल रहा है और जब पीक पर था, तब बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण परेशान थे, डिप्रेशन में चले गए, स्ट्रेस में चले गए। ये बीमारी, ये पेंडेमिक सबके लिए बराबर था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो आदमी आध्यात्मिक होगा, जो आदमी स्पिरिचुअल होगा, उसको इस सिचुएशन को देखने का नजरिया अलग होगा, और जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है उसका देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। यानी उसके अंदर पॉजिटिविटी का जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में, एंजाइटी उसे परेशान करती है, डिप्रेशन उसे परेशान करता है। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू अ विजन टू सी द थिंग्स द वे दे आर। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि वो आपको एक सकारात्मक नजरिया देता है, हर चीज को वैसा ही देखने का जैसा वो है। सी द थिंग्स द वे दे आर इज द बिगेस्ट पावर वन कैन हैव। अगर आप चीजों को उसी तरीके से देखने लग जाएंगे तो आप उन चीजों को जस्ट नॉट इमेजिन नहीं करेंगे, आप उन चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। वो पहले भी थी, वो चीजें पहले भी थी, सिर्फ एक रियलाइजेशन की कमी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी धरती अर्थ जो है, ये पहले भी गोल थी, अभी भी गोल है, बट
स्टार्टिंग में लोगों ने कहा कि नहीं धरती फ्लैट है, पृथ्वी जो है, विज्ञान ने कहा, साइंस ने रिसर्च की कि धरती फ्लैट है, लेकिन धरती उस समय भी गोल थी। लेकिन कुछ समय बाद हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, एक्चुअल में धरती गोल है। तो धरती पहले भी गोल थी, अभी भी और आगे भी रहेगी, बट एक समय आया जब हमने उसको रियलाइज किया कि वास्तविकता में धरती गोल है, फ्लैट नहीं है। और जैसे ही वो रियलाइज हुआ, हमने एक अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली कि हाँ धरती ऐसी है, ऐसी दिखाई देती है। और जब हमने वो पिक्चर बनाई, उस पर रिसर्च हुई, लोग गए अंतरिक्ष में जाकर के, उन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, और देन फिर वो धीरे धीरे हम उस चीज को जानने लगे, उस चीज को समझने लगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि वी डिडंट क्रिएट इट, हमने उसको इन्वेंट भी नहीं किया, बस हमने उसको रियलाइज किया। तो पहला पॉइंट है अध्यात्म का, वो है रियलाइजेशन। आप जब चीजों को रियलाइज करने लगते हो, जो जैसा है उसको वैसा देखने लगते हो, तो समझ जाइएगा कि आप सचमुच आध्यात्मिक हैं। तो जैसे पहला पॉइंट जी, हम देखते हैं कि पास्ट इम्प्रेशंस की वजह से हम किसी चीज को पर्टिकुलर वे में देख रहे होते हैं, जी अपने पुराने इम्प्रेशंस, अपनी पुरानी सोच की वजह से। बिल्कुल। जब आप कोई भी देखिए, इस जीवन में कोई ऐसा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स ना हो, भले वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, भले अध्यात्म को ना मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, सबकी जीवन में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है। लेकिन आध्यात्मिकता आपको उन प्रॉब्लम से बहुत ही पॉजिटिव वे में लड़ने का, अपने पास से, अपने गलत एक्सपीरियंसेस से आपको लड़ने का एक बहुत अच्छा हिम्मत देती है, पावर देती है कि आप कैसे उन चीजों से फाइट करके आप उन चीजों से आगे निकल सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अधिकतर जो हम जिन साधु संतों की बात करते हैं कि ये साधु है, ये महात्मा है, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई साधु हो और वो डिप्रेशन या एंजाइटी की गोली खा रहा हो, मेडिसिन्स ले रहा हो। क्यों? अगर वो ऐसा कर रहा है, इट मींस कि उसके अंदर अभी आध्यात्मिकता की कमी है, उसको कहीं ना कहीं उन चीजों को और बढ़ाना पड़ेगा जिससे उसकी आध्यात्मिकता का लेवल और आगे बढ़े। सकारात्मकता लाइफ में बहुत कुछ चीजों को सही से देखने का एक विजन देती है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। दो दोस्त है, एक दोस्त जो है वो भगवान में मानता है और दूसरा नहीं मानता है। और वो कहता है कि अरे क्या तू मंदिर जाता रहता है, एक जीवन है, एक लाइफ है, एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो एक दिन दोनों गए, जो भगवान को मानने वाला मित्र है, जो दोस्त है, वो मंदिर गया। और एक दिन मंदिर के रोड के दूसरे साइड में एक शराब खाना था, जहाँ शराब बेची जाती है, क्लब है, वो दूसरा दोस्त उसमें गया और वहां जाके उसने शराब पी। उसने मंदिर में जाके पूजा की, भगवान की प्रार्थना की, दोनों बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो जो मंदिर से बाहर निकला, उसको एक ठोकर लगी, उसके पाँव में एक बहुत बड़ी कील चुभ गई, जिससे उसके पूरा पाँव जो है उसमें बहुत चोट आ गई। वहीं दूसरा आदमी जो क्लब से बाहर निकला, बाहर निकलते उसको एक छोटी सी पोटली में सोने के सिक्के मिले। अब दोनों ने देखा। अब अगर एक नॉर्मल नजरिए से कोई देखे तो वो देखेगा कि मंदिर जाने वाले को तो उसके परिणाम में अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन उसे चोट लगी। दूसरी तरफ जो गलत काम कर रहा था उसको बहुत सारा पैसा मिल गया। तो उस दूसरे वाले दोस्त ने भी कहा कि देखा, तेरा मंदिर जाना भी बेकार है, मुझे जो मिलना था वो मिला तो मुझे, जबकि मैंने गलत काम किया। अब वो जो मंदिर जाने वाला दोस्त था, उसको ये बात दिल में लगी कि कहीं ना कहीं बात तो सच है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, दोनों की मौत हुई, मृत्यु के बाद यमराज के पास गए। तो उसने एक प्रश्न किया जो उसको उसी समय से मन ही मन परेशान कर रहा था, कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उसको यमराज ने कहा कि ये सिर्फ देखने का नजरिया है, जब वो मंदिर से तुम बाहर निकले उस दिन तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन
भगवान की कृपा से जब तुमने भगवान की प्रार्थना करके तुम बाहर निकले, तो मौत एक बहुत छोटे से रूप में केवल एक चोट बन करके रह गई। और जो तुम्हारा दूसरा मित्र था, वो उस दिन इस विश्व का सबसे अमीर आदमी बनने वाला था, लेकिन गलत कर्मों के कारण उसका जो भाग्य है, उसका जो पुण्य है, वो केवल एक छोटी सी पोटली भर में समा करके रह गया। तब उसे समझ में आया कि वास्तविकता में मैंने जिस नजरिए से देखा था, वो नजरिया सही नहीं था। इस नजरिए से अगर मैं देखता कि हाँ, कुछ गलत होने वाला था, लेकिन भगवान की कृपा से वो सब ठीक हो गया। तो ये जो नजरिया है, हम कई बार कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों से सुनते हैं, एक ग्लास है, वो ग्लास आधा भरा हुआ है। कुछ लोग भरा हुआ ग्लास देखते हैं और कुछ आधा खाली ग्लास देखते हैं। तो जो आधा भरा हुआ ग्लास देखता है, जरूर वो आदमी आध्यात्मिक है, तभी उसके अंदर ये पॉजिटिव थिंकिंग है कि वो ग्लास भरा है ये देख रहा है, ना कि ग्लास खाला है ये देखता है। तो आध्यात्मिकता आपको एक विजन देती है, आपको एक समझने का तरीका देती है। दूसरी बात, आध्यात्मिक जो व्यक्ति होगा, वो बहुत आपको शांत, बहुत सुलझा हुआ, उसके चेहरे पर एक बहुत कामनेस, शांति अपने आप आपको दिखाई देगी। उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो गुण है, वो उसके चेहरे पर, उसके व्यवहार में, उसके बोलने में, उसकी दिनचर्या में अवश्य जरूर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उसको सिचुएशंस इफेक्ट नहीं करती है उसके मेंटल पीस को। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आध्यात्मिकता आपके मेंटल पीस को बनाए रखने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। कोई भी सिचुएशन आपके मेंटल पीस को, आपके मन की शांति को आपसे छीन नहीं सकता अगर आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको पता है कि आपके सुख और दुख का कंट्रोलर, क्रिएटर आप ही हो, तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपको पता है कि आपके कुछ करने न करने से मेरा भाग्य, मेरी किस्मत बदल सकती है, तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति जेलसी, लालच ये खत्म हो गया है, तो आप आध्यात्मिक हो। अगर आपको सृष्टि के हर प्राणी के प्रति करुणा है, तो आप आध्यात्मिक हो। यानी आध्यात्मिक होने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज आप जिंदा हो, कोविड के बाद भी आपको कोई रोग नहीं हुआ है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आप आध्यात्मिक हो। ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं, वो एक आध्यात्मिक इंसान में, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब आप पूछ सकते हो कि ठीक है, अब तक तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर अब हम स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, तो कहाँ से शुरू करें? बिल्कुल कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? तो इसका भी उत्तर मेरा यही है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ, अभी से, इसी समय से, जिस पॉइंट पर आप हैं वहीं से। यू कैन नॉट स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। आपको शुरू वहीं से करना पड़ेगा। ओनली थिंग इज कि आपको जस्ट चीजों को लेकर के कॉन्शियस होना है, आपको उन चीजों को समझना है। और जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के, इट विल फाइंड इट्स ओन वे, वो अपने आप अपना रास्ता चुनेगी और आध्यात्मिकता अपने आप आपके पास आ जाएगी। यू जस्ट नीड एन अवेयरनेस। अगर आप उस चीज को लेकर के अवेयर हो जाते हैं, तो आध्यात्मिकता अपने आप आपके पास चल के आ जाती है। आज का जो टॉपिक, आध्यात्मिकता एजुकेशन में कैसे, शिक्षा में आध्यात्मिकता का होना कितना जरूरी है, तो मेरा आंसर ये है कि उतना ही जरूरी है जितना एक सब्जी में नमक का होना। आप एक सब्जी बनाइए, आप कोई भी एक डिश बनाइए, उसमें आप सब चीज डाल दीजिए, सब्जी में सारे मसाले डाल दीजिए, लेकिन अगर उसमें नमक नहीं है, तो आपका पूरा बनाया गया वो जो सब्जी है, वो बेकार है। शिक्षा हो, एजुकेशन हो हमारी लाइफ में, लेकिन उसमें अगर आध्यात्मिकता नहीं है, तो वो बिल्कुल रूखी है।
और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि एट द एंड वो आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, जैसे कि टेररिस्ट। ऐसा तो नहीं कि वो जो टेररिस्ट बनता है वो अनपढ़ ही होता है, पढ़ाई उन्होंने भी की होती है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट टेररिस्ट होते हैं, अगर आप उनकी विकिपीडिया करें और उनका रिसर्च करें, तो उनमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किया है, अच्छी अच्छी डिग्रियां ली है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, बने क्या, अपनी जो माइंड है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उन्होंने गलत उसमें यूज कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं बचपन से ही सुनती और कहती आई हूँ, एक चाकू, नाइफ। आप एक नाइफ को आगे से, जहां से काटते हैं चीजों को, उसको खूब शार्प कर लीजिए, बहुत अच्छे से उसको पैना कर लीजिए, बट उसमें पीछे पकड़ने का हैंडल मत डालिए, और फिर उससे कुछ काटने का कोशिश करिए, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपका हाथ काट सकता है। जरूरी है कि उस चाकू की शार्पनेस के साथ साथ उसमें हैंडल होना चाहिए। ठीक उसी तरह जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, आप उसको खूब अच्छे से पढ़िए, खूब आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जाइए, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, लेकिन अगर उसमें पीछे फाउंडेशन आध्यात्मिकता की नहीं होगी, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, तो वो शिक्षा आपके लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी अच्छी डिग्रियाज हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या किया, हॉस्पिटल में जाके किडनी बेचना शुरू कर दिया, गलत काम शुरू कर दिए। क्यों? एजुकेशन थी बट आध्यात्मिकता नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, इसके कारण एजुकेशन ही उनके लिए हार्मफुल हो गई। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि इवन आज जहाँ हम बैठे हैं, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इनको जानना और समझना होगा कि एजुकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। केवल इंफॉर्मेशन को ही बता देना एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप अपनी ह्यूमन वैल्यूज को ना समझें, जब तक आप आध्यात्मिकता को अपने जीवन में ना लाएं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति कहे जाएंगे। एजुकेशन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार, जब भी मुझे मौका मिलता है, जिस भी प्लेटफॉर्म्स पर, मैं प्रयास करती हूँ कि अपनी ये बात कहूँ कि आज के समय में हमें अपनी जो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, भगवद गीता है, भागवत है, इनको अपनी शिक्षा से जोड़ना चाहिए। जस्ट लाइक बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज अभी है, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इवन वो लोग भी अभी भगवद गीता का महत्व समझ रहे हैं, और उन्होंने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनका कोर्स है, उसमें भगवद गीता को ऐड कर दिया है। तो भारत क्यों नहीं? भारत तो फाउंडेशन है ग्रंथों का और आध्यात्मिकता का। तो अगर यहाँ पर, यहाँ का यूथ अगर भगवद गीता से कनेक्ट नहीं होगा, तो फिर हमारी जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं होगी, और फिर जब फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बिल्डिंग तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसको भी ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे आध्यात्मिक बुक्स को, ग्रंथों को जरूर जोड़ें। कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवद गीता इज मस्त, भगवद गीता पढ़िए। ये सोच के मत पढ़िए कि कोई हिंदू ग्रंथ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, भगवद गीता भी एक आज के युग में बहुत बड़ी एक मोटिवेशन हो सकती है, अगर आप उसको सही तरीके से तो देखें। इस दुनिया के सबसे पहले अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुए तो भगवान कृष्ण हुए हैं। तो आप और हम अगर उसको सही वे में जानेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अध्यात्म भगवद गीता से
सीख सकते हैं और वो आपके विजन को सही करने में भी बहुत हेल्प करेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपनाना चाहिए। और अगर आप इन केवल सुनना नहीं है, कई बार होता क्या है जो मोटिवेशन सेशन होते हैं, आध्यात्मिक सेशंस होते हैं, हम उसमें सुनते तो बहुत है पर 100% सुना और उसमें से केवल 1% अपनाया तो क्या अपनाया। कहते हैं ना, खाना उतना बड़ी बात नहीं है, पचाया कितना वो बड़ी बात है। तो अगर आप इन बातों में से कुछ परसेंटेज भी अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और भी कुछ मुझे याद आएगा इसके बारे में तो मैं जरूर बताऊंगी। अब कोई क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो देवी जी, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनकी रोज की एक दिनचर्या रहती है, तो जी स्पिरिचुअलिटी को वो अपनी दिनचर्या में कैसे इनकॉर्पोरेट करें? रोज का क्या डेली रूटीन रहना चाहिए अगर कोई स्टार्ट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन। यानी आपकी हर जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। और अनुशासन का मेरा मतलब है टाइम पर सोना, टाइम पर जगना, टाइम पर खाना, टाइम पर स्टडी करना और टाइम पर मेडिटेशन, जप, जो भी आप करना चाहें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अभी क्या हो रहा है, आज का जो यूथ है ना, वो अध्यात्म का नाम सुनते ही डरता है और भागता है कि मैं इन सब चीजों से मैं क्यों जुड़ूं, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। बट दे नीड टू नो इट कि जब तक आप अपनी जीवन को एक डिसिप्लिन जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं अशांति का अनुभव करेंगे। और वो हो रहा है आज के स्टूडेंट्स, क्या होता है, जरा सा मार्क्स कमाए सुसाइड कर लिया, जरा सा अपनी लाइफ के मन मुताबिक कोई चीज नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया। तो इन चीजों के लिए आपको सबसे पहले अपना रूटीन ठीक करना है। होता क्या है, आज के जो यंगस्टर जिनका हम रूटीन कई बार देखते हैं, 2-3 बजे तक लगे हैं फोन पर बातें करने में, चैटिंग करने में, या कोई दूसरी चीज देखने में। जब सोने का टाइम होता है तब जागते हैं, जब जागने का समय होता है तब सोते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल एकदम पुराने जमाने में चले जाइए, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो। हमारे जो ऋषियों ने कुछ रूल्स बनाए हैं ना, जो नियम बनाए हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाए हैं। अगर सूरज सुबह उगता है तो इट मींस वो समय है कि हम जाग जाएं, क्योंकि उस समय एक बहुत ही पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है, पॉजिटिव वाइब्स जिनको हम कहते हैं, जिसको साइंस भी मान चुका है कि देयर इज सम पॉजिटिव वाइब्स, देयर इज सम नेगेटिव वाइब्स। तो वो पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स क्या होती है, उसको हमारे ऋषि महात्मा बहुत पहले बता चुके हैं। रात को इस समय खाना नहीं चाहिए, इससे इस समय से पहले सो जाना चाहिए, इस समय से पहले जग जाना चाहिए। अगर आप ये चीज करने लगे, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मॉर्निंग का जो पहला समय है, स्टार्टिंग जो मॉर्निंग की होगी, वो एक किसी अच्छी चीज से होगी, एक पॉजिटिव चीज से होगी। हम करते क्या, सुबह उठे, सुबह उठते ही ना स्नान किया, ना ब्रश किया, ना कुछ किया, बस फोन उठाया और फोन उठाते ही फेसबुक चालू किया। फेसबुक में क्या देखा, आज यहाँ इतने लोग मर गए, आज यहाँ इसके साथ ये गलत हो गया। आई थिंक मेरा जितना अनुभव है, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज जो होती है वो सुबह सुबह ही हमारे दिमाग में उनका भर जाती है। तो अगर आप अपनी मॉर्निंग ही इन चीजों से शुरू करोगे तो आपका दिन भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों में उलझ करके रह जाएगा। तो अपने दिन की शुरुआत करिए मेडिटेशन से, कुछ चिंतन करिए जो भी आपको अच्छा लगता है। दूसरा,
जप करिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप जिस भी धर्म जिस भी रिलीजन से जुड़े हैं, ये कहना बहुत आसान है कि नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, एट द एंड जब समझ आता है तो इतना ही पता चलता है कि जितना आप भगवान से कनेक्ट होते हैं उतना ही आप अपने आप को बहुत शांत महसूस करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो दिन की शुरुआत आप किसी जप से शुरू करिए एंड देन पूरा जो दिन है उसमें कब खाना है कब स्टडी करना है, हर रोज का एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप उसका एक रूटीन बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा एक आध्यात्मिक जिंदगी जीने में। I want to tell everyone here present also that Chitralekha ji is also running a charitable hospital in Delhi, which is one of the largest hospitals, which is taking care of cows and so many animals. So Devi ji, I want you ki aap hume bataye ki ye jo save द्वारा चलाई जा रही है उसमें यूथ का क्या रोल हो सकता है? आई थिंक मुझे थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सेव एनिमल कैंपेन के बारे में थोड़ा बताएं जी और कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं ये बताएं। देखिए इतना तो हम सब आई थिंक 2020 से 2021 में समझ ही चुके हैं कि नेचर से बड़ी पावर कोई भी नहीं है। नेचर कैन डू एनीथिंग। 2 साल से घर में बैठे हैं, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, ना कुछ कर सकते हैं ना जा सकते हैं। तो नेचर जो है, जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं या नेचर को परेशान करते हैं तो वो बाउंस होकर के वापस हमारे ऊपर आता है। नेचर में सब आता है, एनवायरमेंट आता है, एनिमल्स आते हैं, हमारे पेड़ पौधे आते हैं। तो वो हमने क्या किया, हमने नेचर को बहुत बहुत परेशान किया, हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की। प्रकृति की जो जैसे ह्यूमन राइट्स है, हम हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, वैसे ही एनिमल राइट्स है। उनको अपना एक जीने का हक है, उनको अपना खाने पीने घूमने का हक है। और देन एक ऐसा समय आ गया कि आज के यूथ को ये लगता है कि अगर वो ये कहता है अपने फ्रेंड सर्कल में कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो वो बड़े लो क्लास का समझा जाएगा। अरे बहुत पुराने जमाने का है, पुराने ख्यालात का है, अरे नॉन वेज नहीं खाता। आपको ये समझना होगा कि कर्म एक बहुत बड़ी पावर होती है। आप जैसा करते हैं वही आपके पास वापस आता है। इफ यू आर किलिंग एनिमल्स, अगर आप पशुओं को मार रहे हैं, अगर पशुओं को मार के आप खा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आप खुश कैसे रह सकते हैं। हमारे भारतीय पद्धति में, भारतीय कल्चर में ये होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है और जब उनको दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वापस घर आके माता पिता ये कहते हैं कि अब थोड़ा सा स्नान करो, नहा लो, क्योंकि तुम कहीं से आए हो। दूसरी तरफ आप सोचिए कि आप एनिमल्स की जो डेड बॉडी है उसको अपने पेट में रख करके आप अपने शरीर को ही शमशान बना रहे हैं। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें खाइए, प्रोटीन बहुत सारी चीजों में प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दिया है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत प्रोटीन है। ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर किसी पशु को परेशान नहीं करना है, किसी पशु को नहीं मारना है, तो आप कहीं भी अपने जीवन में कहीं भी आप देखेंगे कि आप एटलीस्ट दुख तो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर किसी के लिए काइंडनेस है, दया है, आप उसको दया भरी नजर से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब यूथ मिलकर के ये प्रण ले लें कि कहीं भी कोई एनिमल का मतलब सारे, कुत्ता बिल्ली गाय सब। कई बार लोग मुझसे ही पूछते हैं गाय क्यों, ऐसा नहीं, हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर सबका ट्रीटमेंट होता है, मोर बंदर
घोड़ा, सारे जितने भी पशु होते हैं सबका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको, जैसे हम घर में डॉग्स रखते हैं, कैट्स रखते हैं, तो सेम वे अगर हम गाय को भी, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय को विश्व की माँ कहा गया, अगर उनसे प्यार करेंगे और यूथ आगे बढ़ करके आएगा तो हम पशुओं को बचा सकते हैं। देवी जी, मैं सबको एक बार बताना भी चाहूंगी कि देवी जी रेखा जी स्टार्टेड द जर्नी एट अ वेरी यंग एज ऑफ एज 6, एंड दैट्स वेयर हर स्पिरिचुअल जर्नी बिगैन। तो देवी जी, आप हमें बताएं कि इतनी यंग एज में स्पिरिचुअलिटी में आना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इस सब में क्यों पढ़ रहे। नहीं, मैसेज दे हमारे स्टूडेंट्स को। पहली बात, स्पिरिचुअलिटी की कोई उम्र नहीं होती, कोई कंडीशन नहीं होती, कोई स्टेज नहीं होती। ये इट कम्स विद इन। वो आपको, देखिए, डॉक्टर बनने का कोर्स आपने सुना होगा, इंजीनियर बनने का कोर्स आपने सुना होगा, लेकिन संत बनने का कोई कोर्स होता है ये आपने कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि संत बना नहीं जाता है, हुआ जाता है। आध्यात्मिक भी बना नहीं जाता, हुआ जाता है। और जहां तक अगर मैं अपने जीवन की बात करूं, तो जैसा कहा, मेरी जो पहली श्रीमद् भागवत हुई थी वो 7 साल की एज में हुई थी। तो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या आपने बचपन को मिस किया, लोगों के साथ खेलना, एंजॉय करना। तो एंजॉय की सबकी डेफिनेशन अलग-अलग होती है। किसी के लिए एंजॉयमेंट क्या है कि मैं उल्टे सीधे काम करूं, वो मेरे लिए एंजॉयमेंट है। लेकिन वास्तविकता में एंजॉयमेंट क्या है? जैसे मैंने कहा, एक फाउंडेशन अगर आपकी मजबूत हो जाती है, आप अगर ये कहें कि नहीं, ये सब तो बुढ़ापे वाली बात है, जब टाइम आएगा तब कर लेंगे, क्या कल हमारी लाइफ में क्या होने वाला है ये हमें पता है? क्या हमने पैसे कमाने के लिए कभी ये सोचा कि बुढ़ापे में कमाएंगे? कभी फैमिली बनाने के लिए हमने सोचा कि बुढ़ापे में करेंगे? देन व्हाई अध्यात्म ही क्यों कि हम बुढ़ापे में करेंगे, जबकि हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट सेकेंड हमारे साथ क्या होने वाला है, अगला पल हमारा होगा या नहीं होगा। लाखों लोग रोज मरते हैं, जीवित होते हैं। तो आप वेट नहीं कर सकते आध्यात्मिकता को अपने जीवन से जोड़ने के लिए कि बाद में करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी के घर जाते हैं तो आप उसके लिए कोई एक गुलदस्ता लेकर के जाते हैं, तो फ्रेश जो फ्लावर्स होते हैं आप वो लेकर के जाते हैं, ना कि 3-4 दिन और 10 दिन पुराने। तो जो हमारी जो युवान की जो उम्र होती है, जिसको हम यूथ कहते हैं, जो हमारी यंग एज होती है, वो एक फ्रेश फ्लावर की जैसे है, एकदम ताजा। उसको अगर अध्यात्म से हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी आगे जो बची लाइफ है उसको जीने का, हैंडल करने का हमें तरीका सही समझ में आ जाएगा। और आध्यात्मिकता उस एक मैनुअल बुक की जैसे है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जो आपको बताती है हाउ टू हैंडल इट। द सेम वे मानव जीवन को कैसे हैंडल करना है, ये आपको आध्यात्मिकता बताती है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को, हर बच्चे को, हर नौजवान को, बूढ़े को, वृद्ध को, सबको जीवन में आध्यात्मिकता का होना, डिवोशन का होना, भक्ति का होना बहुत जरूरी है। देवी जी, जैसे आपने बताया कि जीवन को हैंडल कैसे करना, वो हमें आध्यात्मिकता बताती है। तो इसी से अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, मेरे आसपास इतने लोग, को ये क्वेश्चन होता है कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? जी, अगर मेरी बात करें पर्सनली, पहले मैं अपनी बात करूंगी, मेरे लिए पर्सनली भगवान को जानना और उनकी प्राप्ति, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। पर बहुत सारे ऐसे लोग, आपकी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स भी होंगे, जो शायद उतना भगवान में नहीं मानते, मानते हैं बट नॉट उतने लेवल पे। तो मुझे लगता है कि चाहे भगवान को माने ना माने,
बट एट दी एंड इतना तो मानते हैं कि मुझे लाइफ में खुश रहना है जी किसी भी कीमत पर, कॉस्ट कोई भी हो। हम पढ़ रहे हैं ताकि अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिले ताकि अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो ताकि हम खुश हों। अब हम ये करें उसके बाद खुश हो, या आज जो मैं हूं उसमें खुश हो जाऊं, ये ज्यादा बेटर है। मैं क्यों वेट करूं उस दिन का कि जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, मुझे जॉब लगेगी तब मैं खुश होऊंगा, मुझे ये पैसा मिलेगा इतनी मेरी सैलरी होगी तब मैं खुश होऊंगा। देखिए लाइफ कभी भी वैसी नहीं होती एग्जैक्ट जैसी आप चाहते हैं, एग्जैक्ट वैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते ही है, कुछ अच्छा होता है, कुछ आपके मन के मुताबिक होता है, कुछ नहीं होता। तो क्या अगर हमारा जीवन वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते हैं तो क्या हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे? इसका तो यही मतलब है कि अगर सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं हुई तो बस मेरा फिर कुछ होने वाला नहीं। और यही होता है अक्सर, जब भी लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो, तो अरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे ये नहीं पता, बस आएंगे। और उस आएंगे की वेट में जो आज का दिन है वो बेकार जा रहा है, वर्तमान खराब जा रहा है, और बस यही सोच में जिसके पास जॉब नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास जॉब है वो इसलिए परेशान है कि मुझे डेली जाना पड़ता है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी परेशान है, और जिसकी हुई है वो तो डबल परेशान है, जिसके बच्चे नहीं है वो भी परेशान है, जिसको है वो भी परेशान है। पहले हम परेशान थे, हमारे पास टाइम की कमी थी, आज हम परेशान हैं कि बाहर कहीं नहीं जा पा रहे, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। इट मीन्स कि सिचुएशंस नहीं होती जो आपको खुश या दुखी करती हैं, ये आपका माइंड है जो आपको खुशी या दुखी करता है। बस हमें उतना ही करना है कि अपने माइंड को इस तरीके से सिस्टम को ऐसा बना लेना है कि हम हमेशा बाहर की सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन अंदर से मैं हमेशा खुश रहूंगा, मेरा जो आनंद है उसका लेवल मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। क्योंकि खुश रहने के दो तरीके हैं, या तो खुश होने के लिए काम करिए कि ये हो जाएगा तब खुश होऊंगा, या फिर कोई भी सिचुएशन है मैं खुश रहूंगा ये मैंने अपने दिमाग में नोट कर लिया है, अब इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो अगर आप ये गोल अपनी लाइफ का बना लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सफलता चाहिए, जरूर कोशिश करिए, मेहनत करिए, लेकिन अगर वो सफलता नहीं मिली तो क्या पूरा जीवन आप रोते रोते निकाल देंगे? सफलता का मेन जो अर्थ है पहले उसको समझिए। इवन जो घर के पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज को समझना होगा, और उनको बचपन से बच्चे के दिमाग में इस चीज को सेट करना होगा कि सफलता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप एक फेमस व्यक्ति बन जाए, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, आप बहुत फेम मनी कमाए तभी आप सफल। आपको सब कुछ मिला लेकिन मेंटल पीस नहीं है तो क्या सफलता हुई? हमें बच्चे बचपन से ही बच्चे को सिखाना होगा कि आपकी सिचुएशन भले कुछ हो लेकिन आप खुश अगर रह पा रहे हैं किसी भी परिस्थिति में तो आप सफल हैं। और यही मुझे लगता है कि हमारा जीवन का मेन मोटिव होना चाहिए, चाहे मैं किसी भी स्टेज पर जाऊं, चाहे मेरी इतनी डिग्री आए ना आए, इतने परसेंटेज आए ना आए, लेकिन मैं खुश रहूंगा। मेरा मेन सक्सेस मंत्र ये है, सफलता का मंत्र ये है। इतना मजा आया आपको सुन के कि पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कहाँ बीत गया। तो आई थिंक ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव रियली गेन्ड फ्रॉम दिस सेशन, एंड देवी जी इट वाज माय इमेंस प्लेजर टू हैव यू हियर टू टॉक टू यू ऑन सच एन अमेजिंग टॉपिक। सो एनी वन लास्ट थैंक यू मैसेज सो दैट यू मच। या लास्ट मैसेज, ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा पूछते ही हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप उस चीज को मैनेज करते हैं जो आपके लिए वैल्यूबल होती है। स्ट्रेस वैल्यूबल नहीं है तो
व्हाई शुड वी मैनेज स्ट्रेस, व्हाई शुड वी डील विद इट. डील उससे करना चाहिए जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है. स्ट्रेस को हमने अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ लिया, एक बॉडी का पार्ट समझ लिया है कि स्ट्रेस ये तो होना ही है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा बना ही है, लेकिन हमें इस चीज को थोड़ा बदलना होगा. मैं चाहती हूँ, भारत तरक्की कर रहा है और उभरते हुए भारत का जो यूथ है वो डिप्रेशन से मुक्त हो, वो नेगेटिव थॉट्स से मुक्त हो. और वो तभी हो सकता है कि जब वो अपने आप को थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मोड़ेगा, अगर वो स्पिरिचुअलिटी थोड़ा अपनी लाइफ में लाएगा, तो सारे सब प्रकार के स्ट्रेस, सब प्रकार के प्रेशर, सब प्रकार की एंजाइटी से मुक्त हो सकता है. तो अपनी लाइफ का यही एम बनाइए, जैसे हैं जहां हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. देखा जी, इट वाज सच एन अमेजिंग सेशन. और हमारे स्टूडेंट्स जो भी बातें हुई हैं इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. आपके वक्त के लिए बहुत आभारी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और MMDU पूरी यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज यहाँ बुलाया. आप सब सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए. थैंक यू. जय श्री राधे राधे राधे.